नमस्कार दोस्तों, संतरा किचन में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। प्याज के पकौड़े बनाने के लिए हमने लिए हैं कटे हुए प्याज, बेसन, चावल के आटा, लहसुन और अदरक का पेस्ट, कटी हुई हरी मिर्च, धनिया पत्ता, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, जीरा पाउडर, काली कुल मिर्च पाउडर, नमक। अब हम डालेंगे प्याज में चावल का आटा, बेसन, एक चम्मच हल्दी पाउडर, एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर, एक चम्मच जीरा पाउडर, आधा चम्मच काली मिर्च पाउडर, कटी हुई हरी मिर्च, अदरक लहसुन का पेस्ट, धनिया पत्ता, स्वाद अनुसार नमक। अब इसको हम अच्छे तरह से मिक्स कर लेंगे। प्याज और मसाला हमारा अच्छे तरह से मिक्स हो चुका है। अब इसको हम रख देते हैं। हमारी कढ़ाई गर्म हो चुकी है। अब इसमें डालेंगे सरसों का तेल। हमारा तेल गर्म हो चुका है। अब इसमें डालते हैं प्याज के पकौड़े। अब एक एक करके सारे पकौड़ों को हम डाल लेंगे। पकौड़ों को हम आराम आराम से पलट लेंगे। एक एक करके सारे पकौड़ों को हम पलट लेते हैं। हम इसको अच्छे से पलट कर पका लेते हैं। हमारा प्याज का पकौड़ा तल चुका है। अब एक एक करके प्लेट में निकाल लेते हैं। अब इसी तरह से हम सारे पकौड़े को तल लेते हैं। हमारा पकौड़ा तल चुका है। अब इसे भी हम निकाल लेते हैं प्लेट में। देखिए हमारा पकौड़ा बनकर तैयार हो चुका है। देखने में कितना अच्छा लग रहा है। चटनी के साथ आप इसको टेस्ट कर सकते हैं। अगर हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई है तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें।